बिहार राज्य मौसमी कर्मचारी संघ मुलीगंज के द्वारा NH 107 रोड को किया घंटों जाम। बिहार राज्य मौसमी कर्मचारी संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुलीगंज कोसी कार्यालय के सामने शुक्रवार 3 के करीब 1 बजे NH 107 रोड को घंटों जाम रखा। भीषण गर्मी में राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी रही। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मौसमी कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। विगत 2014-15 एवं 2020-21 का खरीफ एवं रबी अवधि का मजदूरी वित्तीय वर्ष खत्म होने के उपरांत भी नहीं किया गया, जबकि सरकार का दिशा निर्देश के अनुसार प्रति माह मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए, परंतु कार्यालय विभाग के उदासीनता के कारण ही मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मी का समय के साथ ना उपस्थिति बनाई जाती है ना ही भुगतान की जाती है, इसलिए तंग आकर हम लोगों को रोड जाम करना पड़ा। अगर हम लोगों की आवाज दबाई गई तो भूख हड़ताल भी करेंगे। मौके पर रोड पर देखे जाम आगो में गेट शांतिपूर्ण क्या दिक्कतें आ रही है? हमारी मजदूरी 2014-15 से नहीं हुई है, जबकि हम लोगों को खरीफ रबी अवधि में सिंचाई के लिए रखा जाता है। नहर के अंतिम छोर तक हम लोग पानी पहुंचाने का कार्य करते हैं, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाते हैं। दिन रात 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, दिन में भी पानी चलती है और रात में भी चलती है, कभी रात को भी गेट उठाना पड़ता है और नहर टूटने की स्थिति में 24 घंटे हम लोग को कोदाली लेके काम करना पड़ता है। गेट पर गेज रीडिंग का काम, गेट ऑपरेटिंग का काम और नहर के रख रखाव का काम, देख रेख का काम करते हैं, जबकि 2014-15 से लगातार हम लोग काम करते आ रहा है। 2014-15 वित्तीय वर्ष का भुगतान और 2020-21 का वित्तीय वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग आहत में हैं। आज जो आप लोग रोड जाम किए हुए हैं, असल मुद्दा क्या है, क्या लगता है किस चीज को लेकर के आप सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं या प्रशासन के खिलाफ उतर रहे हैं, आखिर क्या रीजन है? हम लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए, प्रत्येक महीना हम लोग को जो है भुगतान होना चाहिए, सालों भर काम देना चाहिए। 30 दिन महीना में काम करवाते हैं और 26 दिन का भुगतान। जब सरकार की तरफ से ये काम का आयोजन किया गया था, क्या बोला गया था, किस चीज क्या चीज करके ये आपको ये काम मिला था? काम मिला है कि हम लोग जो है नहर की संरक्षण प्लस सिंचाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें, जिसके लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जिसके एवज में हम लोगों को वेतन मजदूरी दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू मनरमन, राज्य उपाध्यक्ष सिंचाई मौसी मजदूर संघ। और 2021 वित्तीय वर्ष पिछला जो है अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म हो गया है, परंतु हम लोगों के द्वारा बार बार समार करते आ रहे हैं, जानकारी देते आ रहे हैं पदाधिकारी को, किसी भी प्रकार का आश्वासन या सहायता नहीं मिल रही है, जबकि कोरोना काल बीत चुका है। कोरोना काल में हम लोग काफी दयनीय स्थिति रहा मेरा, हम सब मजदूर का आर्थिक तंगी आ चुकी है, परंतु अब तक भुगतान की दिशा में किसी भी प्रकार की सहयोग या ये नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोग भुखमरी का शिकार हैं। आप लोग कौन विभाग से? हम सिंचाई विभाग से हैं, सिंचाई को देख रेख करते हैं, नहर पर गेज रीडिंग, पानी का नापना, गेट ऑपरेटिंग, नहर से खेत तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं हम लोग। जितने भी लोग हैं आपके सब लगभग वही सब कर्मचारी, करीब 200 आदमी अभी मुरलीगंज प्रमंडल के अंतर्गत है, जिसमें मुरलीगंज, खुदा किशनगंज, बिहारीगंज, कोरिया पट्टी के तमाम मौसी मजदूर अभी उपस्थित है। इसमें आप खास करके वेतन के मामला लेके आप लोग जो है ये जी वेतन के मामला मजदूरी